लगा रहे दुनिया कलर। सेंटी हैप्पी अकेले होली अब मारते सभी लोगों को हैं भी। हैप्पी होली तुम टुंगनाम न। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टाइम हो रहा है 4:37। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता मिनी स्विट्जरलैंड उत्तराखंड। और अभी हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं और टुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक स्टार्ट करने के लिए। और अभी यहाँ का टेम्परेचर है कितना? 7 डिग्री है ना सर? 7 डिग्री टेम्परेचर है। प्लस और अभी बाहर अंधेरा भी है गाइस, देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा है। और हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। रूम का जो हालत है वो आप लोगों को दिखा नहीं सकते। और यहाँ पे हमारे बगल में और एक बैच था जो 2 बजे के आसपास ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग अभी, हम लोगों का टारगेट है 5 बजे ट्रैक को स्टार्ट करने का। अभी 4:35 हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर में हम भी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। हम लोग वीडियो में देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस ट्रैक में। तो हम लोग पहले टुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक करेंगे, उसके बाद वहां से और भी ऊपर है चंद्रशिला पीक, तो उसका भी ट्रैक करेंगे से दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग रूम से निकल के आ चुके हैं और ये सामने है ले ले महादेव जी का दर्शन करने के लिए जो मेन गेट है, इसी गेट से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फाइनली मेरा जो ड्रीम था टुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक करना, वो आज पूरा होने जा रहा है। अभी हम यहाँ से एक पानी का बोतल लेते हैं, फिर हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे गाइस। तो दोस्तों ये हमारे सर एंट्री करते हुए, हर हर शंभू। गाइस फाइनली हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे टुंगनाथ मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसी गेट से हम ट्रैक स्टार्ट किया और अभी टाइम क्या हो रहा है देख लो, 4:55 हो रहा है। तो देखते हैं हम कितने बजे तक टुंगनाथ महादेव टेम्पल पहुंचते हैं। और रोड का कंडीशन कुछ इस टाइप का स्टार्टिंग में होने वाला है गाइस, देख सकते हो। अभी सुबह कोई भी दुकान वगैरह शॉप वगैरह खोला नहीं है, तो हम लोग ये डंडा वगैरह सारे कल रात को ले लिया था और एक डंडा 20 रुपए करके पड़ा। जय भोलेनाथ की, भोलेनाथ जी का टेम्पल है देख सकते हो यहाँ पे। अभी 5 बजे है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुक के है रेस्ट करने के लिए। और इतना अंधेरा है, पीछे देख सकते हो कितना स्नो गिरा हुआ है। और टुंगनाथ महादेव जी का जो हाइट है अप्रोक्स 12,000 फीट का है। तो नीचे बोल रहा था डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर के आसपास है चंद्रशिला तक। तो मैंने फोन में स्टेप काउंट ऑन कर लिया, तो देखते हैं टोटल कितना स्टेप होता है, कितना किलोमीटर रहता है, एक्चुअल पता लगेगा चंद्रशिला तक कितना डिस्टेंस है। और अभी जस्ट थोड़ी दूर आया है, इतना जैकेट वगैरह पहना हुआ, गर्मी लगना स्टार्ट हो गया। बट इतना अंधेरा है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो क्या वीडियो शूट करूं, ठीक है गाइस। और पीछे हम जो जा रहे हैं अभी रोड पे, जो मून का जो लाइट है उसी लाइट से हम जा रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा है, वीडियो में कुछ भी नहीं आ रहा है देखने को। नाथ की जय, हर हर महादेव। 5:24 और अभी भी नहीं दिख रहे, अंधेरा बहुत है। और मेरे पीछे देख सकते हो कितना सारे बर्फ गिरा हुआ है रास्ते में। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1350 किलोमीटर अभी चल चुके हैं। और अभी देखो पहले जो हम आए थे बहुत सारे देवदार का पेड़ था, अभी तो बिल्कुल पेड़ है नहीं, बिल्कुल खाली लग रहा है। और यहाँ पे एक रूम भी दिख रहा है, पता नहीं किस चीज़ का रूम है नहीं पता। और चलो चलते हैं, इस टाइप का ब्लॉग आइस मिलेगा। और हम लोग जो डंडा लिया था उसी डंडे को सहारे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। पूरा देखो बर्फ है, मैंने एक चीज़ बताया नहीं, आज डेट है 25 मार्च 2024 जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं टुंगनाथ महादेव जी का, वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल। और आज 25 मार्च है, तो देख सकते हो 25 मार्च में आप लोगों को इस टाइप का स्नो देखने को मिल रहा है। अभी एक हफ्ता या 2 हफ्ते तक ऐसे स्नो रह सकता है, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा गाइस।
देख सकते हो कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे चांद इतना खूबसूरत लग रहा है गाइस, क्या बताए, पूरा करते हुए जा रहे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। अभी तक जो आए हैं एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और जो ट्रैकिंग का जो रास्ता है इतना डिफिकल्ट है नहीं, नॉर्मल है, अब ऑलमोस्ट इजी है, मतलब आराम से चढ़ाई कर सकते हो, बिगिनर भी कर सकते हैं। हाँ, बिगिनर भी तो आराम से कर सकते, हम भी तो बिगिनर है, पहली बार कर रहे हैं, हम भी बिगिनर है, बस एक चढ़ाई चढ़ सकते हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा बिगिनर से ऊपर है। एक्चुअली जब मंदिर तक हम पहुँचेंगे तब बता पाएंगे इस रास्ते का कितना कंडीशन क्या है, क्या है, हाँ सब कुछ बताएंगे। लोग यात्रा शुरू कर देते हैं, हाँ जो लोग सनराइज देखना चाहते हैं तो वो लोग 2 बजे से ट्रैक स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग 4:55 में स्टार्ट किया था ट्रैक, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। ये जो रोड देख रहे हो हम लोग यहाँ से, ये जो रेलिंग देख रहे हैं यहाँ से हमने शॉर्टकट लिया, फिर हमें इतना घूमना नहीं पड़ा। और अभी तो थोड़ा रस नहीं आ गया, देख सकते हो कितना बर्फ है दोनों साइड में, और रोड में तो ब्लैक आइस भरे हुए है। तो आप लोग जब भी ट्रैक का प्लान करोगे तो शूज अच्छा होना चाहिए जो स्लिप ना करे, और साथ में पानी का बोतल और डंडा जरूर लेना, ये 3 चीज। बाकी देख सकते हो कितना स्नो है, मार्च में भी इतना स्नो है यहाँ पे, है ना गाइज। अभी टाइम हो रहा है 5:53 और धीरे धीरे सनराइज हो रहा है, देख सकते हो जो हिमालय का पीक है कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये रोड है जो ट्रैकिंग का रोड है, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, और ये ब्लैक आइस है, बहुत ही स्लिप करते हैं। अभी सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा जम चुका है, इसलिए इतना स्लिप नहीं कर रहा है। जब हम वापस जाएंगे तब इसमें धूप लगेगा, धूप लगने की वजह से इसमें पानी निकलना स्टार्ट होगा, तो इसमें स्लिप करने का बहुत ही खतरा रहता है। और देख सकते हो ये रोड है, इस रोड से हम ऊपर जाएंगे, ओ ऊपर तक। ओके गाइस, ये देख सकते हो वो नीचे से ऐसे झिकझक करते हुए यहाँ तक पहुंचे। ये रोड देख रहे हो जो ग्रिल बना हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ से वो ग्रिल बना हुआ, वहां से झिकझक ऐसे करके वो नीचे से आए। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा जंगल मिलेगा, फिर जैसे ऊपर आ जाओगे उतना पेड़ पौधे है नहीं, देख सकते हो कुछ इस प्रकार व्यू है, और यहाँ से माउंटेन का व्यू। और बाकी जरे भैया है यहाँ पे खड़े होके फोटो वगैरह खींच रहे, देख सकते हो क्योंकि इतना खूबसूरत प्लेस। गाइस रास्ते में कुछ जगह में इस टाइप का रास्ते के ऊपर बर्फ देखने को मिलेगा, तो ये बर्फ जो बिल्कुल टाइट है और बहुत ही स्लिप करता है ऐसे बर्फ, बट अभी तो फिलहाल स्लिप नहीं कर रहा है। मेरा जो है नॉर्मल शूज है, देख सकते हो, और मेरे साथ जो 3 भैया है उन्होंने यहाँ से शूज ले लिया था, 100 रुपये करके पड़ा शूज, और मैंने शूज लिया नहीं है। तो इस टाइप का जो आइस है थोड़ा डेंजरस होता है, तो आप लोग जब भी आपका पास जो भी शूज से आप ट्रैक कर रहे हो वो थोड़ा चेक करके ट्रैक करें। और ये देखो इस टाइप का बर्फ जो है रोड में। हर हर महादेव, जय। गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक पिकअप है, ऐसे झिकझक करते हुए वो ऊपर जाना है, वो जो ऊपर है वहां तक जाना है, और जितना ऊपर आ रहा है थोड़ा रास्ता जो है ऐसे ऊपर की तरफ खड़े होते जा रहे हैं गाइस। तो थोड़ी देर चलने के बाद फिर थोड़ा रुकना पड़ रहा है क्योंकि सांस फूल जा रहा है। मैं भी पहली बार तुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा, और यहाँ तक आने में बहुत मज़ा है। पहले जब दिल्ली से निकले थे थोड़ा डर लग रहा था, अकेला कैसे जाऊँ, तो ऋषि के जाने के बाद 3 दोस्त मिल गए, तो इन लोगों के साथ मिल के हम ये ट्रैक कम्प्लीट कर देंगे आई होप। और रास्ते में बीच में ऐसे बैठने का भी जगह बना हुआ है, थोड़ा बैठ करके अब रेस्ट कर सकते हो। ये जो ब्लॉग आई से ये बिल्कुल पत्थर बन चुका है ये वाला,
जिसके लिए पत्थर बन चुके हैं, तो इसमें थोड़ा केयरफुली और संभल के जाना पड़ेगा। भाई साहब तो यहाँ पे पानी का व्यवस्था भी है, बट ये पानी अभी ठंड की वजह से शायद जम चुका है। और यहाँ पे एक घर दिख रहा है, आई थिंक ये दुकान वगैरह होगा जो चाय मैगी वगैरह मिलता होगा, अभी तो फिलहाल बंद है। और यहाँ से देख सकते हो व्यू आ रहा है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है, मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। आई होप आप लोग को समझ में आया पूरा। और हम लोग ट्रैकिंग से ज़्यादा वीडियो कर रहे हैं क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू है, क्या ही बताए। जब आप लोग प्रैक्टिकली आके देखोगे ना, तब आप लोगों को अंदाजा लगेगा कितना खूबसूरत है और कितना खूबसूरत प्लेस है ये। महादेव का नगरी है तो खूबसूरत तो होना ही था, क्योंकि हर जितना भी महादेव का प्लेस है सारे बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये भी एक, ये देखो वो जो भैया खड़ा है, वहाँ से मैंने इसके बर्फ के ऊपर से शॉर्ट कर लिया, नहीं तो अब ऐसे रोड से जाना पड़ता, मेरा सांस फूल रहा है, इसीलिए मैं धीरे धीरे बात कर। आराम से जो पैर का निशान है उसमें पैर दे के आओ, स्लिप नहीं करेगा। मेन जो रोड है ना उससे ये सेफ है। ये देखो, हाँ हाँ हमारे भैया चढ़ रहे हैं, काफी रिस्क होता है गाइस चढ़ना कि बर्फ है, अगर फिसल गई पिघल गई। देखो पहुंच गए, हाय कर रहे हैं। अभी सनराइज हो गया ना, वो वाला जो बर्फ का पहाड़ दिख रहा है, देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। एक है दो, वहां पे एक तीन, वो जो नीचे घर दिख रहा हो, यहाँ से हमने ऐसे ऐसे घूम के आना था, ऐसे घूम के, बट हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया क्योंकि ये पूरा बर्फ है। और यहाँ से जो रास्ता है इस टाइप का, हम ऊपर जा रहे हैं रोड में इस टाइप का बर्फ देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा ट्रैक करने में डिफिकल्ट होता है गाइस। तो मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अच्छे से पता चले और रोड कैसा है, पूरा रोड का व्यू कैसा है और किस टाइप का कंडीशन है रोड का, वो सारे चीज़ भी आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है गाइस, वो नीचे कहाँ पे वो घर है, वो घर दिख रहा है आपको, वहाँ से ऐसे झिकझक करते हुए अभी तक हम लोगों ने दो शॉर्टकट लिया है, एक नीचे लिया था एक यहाँ पे लिया, बाकी कुछ इस प्रकार रोड देखने को मिलते हैं। और देखो चारों तरफ से स्नो है। बाकी हमारे साथ जो तीन भाई साहब है वो लोग पहले ऊपर चला गया, वहाँ पे देखो बैठा हुआ है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और हम भी चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो रास्ते में, हाँ एक ग्रिल बना हुआ है, जो ग्रिल पकड़ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, ये देखो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं और एक ग्रिल की वजह से थोड़ा आप लोगों को ग्रिप अच्छा मिलेगा। अभी जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना चढ़ाई उतना कठिन होते जा रहा है। रेलिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ा अच्छे से, यहाँ पे भी एक आई थिंक दुकान वगैरह होगा, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है इसी वजह से शायद ये बंद है। और नीचे एक दुकान आप लोगों को दिखाया था वो भी बंद था। और ये टुंगनाथ महादेव जी का जो कपाट है, ये आई थिंक 14 मई के आसपास ओपन होने वाला है, तब शायद ऐसा है दुकान वगैरह आपको ओपन मिलेगा। और ऐसे घूम 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 के ये जो वो देखो वहाँ पे ग्रिल बना हुआ है, ऐसे घूम घूम के ऊपर ये जो चोटी दिख रहा है इसके उस साइड जाना होगा शायद, तो देखते हैं। मैं सबसे पीछे रह गया।
यहाँ से पूरा रोड में बर्फ है और सीधा खड़ी चढ़ाई है। अभी वहाँ पे कुछ क्या है पता नहीं चल रहा, वहाँ पे एक घर दिख रहा है, वो मंदिर है या कुछ कॉटेज वगैरह बना हुआ है नहीं पता। और सामने भी एक घर बना हुआ छोटा सा, शायद वहाँ पे रेस्ट करने के लिए पता नहीं। पूरा स्नो, ये सारे जम चुका है स्नो, बहुत ही इसमें पैर स्लिप कर रहा है और सारे कह रहे प्लास्टिक फेंकना मना है। यहाँ पे किसी ने देखो पानी पी के बोतल वगैरह यहीं पे फेंक दिया है। तो गाइस ऐसे मत करो, जैसे आप लोगों को बोल रहे पानी का बोतल प्लास्टिक वगैरह इधर मत फेंको। आप लोग दर्शन करके नीचे जा रहे हो क्या भैया? और कितना दूर है यहाँ से? बस थोड़ी सी यार, पहुंचे ही हो। चंद्रशिला गए हो आप लोग? चंद्रशिला नहीं जाने देगा, वो रास्ता उधर का बंद हो गया। 6:51 हो रहा है और मेरे पीछे जो भैया नीचे उतर रहे वो लोग तुंगनाथ महादेव जी का दर्शन करके नीचे जा रहे हैं। और उन्होंने कह रहा है चंद्रशिला पीक के लिए इतना बर्फ है तो उधर जा नहीं पाए। तो ये सारे वापस जा रहे है, तुंगनाथ जी का दर्शन करके वापस जा रहे होगा। चंद्रशिला पीक गए? अरे वो आगे इतनी बर्फ है आगे वापस। ओके ओके। और रास्ता भी मतलब ठीक है, पता नहीं चल रहा, बहुत डेंजर है देखो यहाँ तक, इतना बर्फ है। गाइस ऑलमोस्ट हम लोग तुंगनाथ टेम्पल पहुंचने वाले हैं और जितना भी लोग वापसी जा रहे हैं सारे बोल रहे हैं चंद्रशिला ट्रैक जो है बहुत डिफिकल्ट है, पूरा स्नो से ढका हुआ है। तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे चंद्रशिला पीक जाने के लिए। तो पहले हम लोग तुंगनाथ टेम्पल का दर्शन करते हैं, अच्छे से थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे गाइस। ओके दोस्त, फाइनली मंजिल जो करीब दिख रहा है, ये जो है यहाँ से मंदिर दिख रहा है, ये है मंदिर। और देख सकते हो ये पूरा मंदिर का एरिया, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए। और शिवा टेम्पल, श्री तुंगनाथ महादेव जी का टेम्पल हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। और हम लोग 4:55 में ट्रैक स्टार्ट किया था, तो अभी लगभग 7:00 6:59 अभी पहुंचने में 2-5 लगेगा। तो ऑलमोस्ट आप लोग मान लीजिए 3 घंटा तो अप्रोक्स लग ही गया, क्योंकि हम लोग बीच में बहुत ज़्यादा रोक रोक के रेस्ट करते हुए आए हैं। और चलो सीधा मंदिर में पहुंचते हैं। गाइस देख सकते हो यहाँ पे टॉयलेट का भी व्यवस्था है और यहाँ पे कोई बिजली का व्यवस्था नहीं है, पूरा देख सकते हो सोलर जो है लगा हुआ है यहाँ पे, जो भी है सोलर पैनल के थ्रू यहाँ पे बिजली का लाइट वगैरह जलता है। और हमें नीचे से आए यहाँ पे, ये यह है टॉयलेट। तो यहाँ से देखो जो रोड है बहुत ही डिफिकल्ट है। और ये सारे जो क्या किस चीज़ का रूम बना हुआ, आई थिंक खाने पीने का दुकान वगैरह होगा। अभी तो सारे क्लोज है क्योंकि ये सारे सीजन में ओपन होता होगा। यहाँ पे देख सकते हो कितना स्नो है, इसी में चढ़ाई करने में सांस फूल जा रहा है। यहाँ पे एक किस चीज़ का होटल या कुछ गेस्ट हाउस वगैरह बना हुआ होगा। अभी तो बंद है। बोला पहाड़ देखो कैसे झुका हुआ है। ये जितने भी यहाँ पे शॉप या दुकान वगैरह दिख रहे हैं ये सारे जब मंदिर के कवाट खुलेगा आई थिंक तभी ओपन होगा, उससे पहले तो ओपन होने का मतलब ही नहीं बनते। और यहाँ पे जगह जगह पे सोलर पैनल लगा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे एक है और वो वहाँ पे 2 लगा हुआ है टोटली यहाँ पे। और ये जो यह है इसमें देखो पूरा सोलर लगा हुआ है यहाँ पे, टोटली जो भी बिजली का सोर्स है सारे सोलर के पैनल के थ्रू है। और ये देखो ये लॉग लगा हुआ, कैसे लॉग लगा के
पन्नी से कवर करके रखा जैसे लोग जो है खराब ना हो वो पानी जाके। यहाँ से देखो माउंटेन पीक, और यहाँ पे सारे जो घर बना हुआ देखो सारे पत्थर को एक के ऊपर रख के सारे बना हुआ है, देख सकते हो गाइस ये रहा कैसे पत्थर को एक के ऊपर कितना अच्छे से रखा है, रख के यहाँ पे जो घर वगैरह जो भी है बना हुआ है। और सामने महादेव जी का टेंपल दिख रहा है, ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले आकाश गंगा तुंगनाथ। यहाँ पे रूम होते हैं, ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये हाँ रुकने का रूम है ये गाइस। जब ये मंदिर का कपाट ओपन हो जाएगा तब यहाँ पे रुक सकते हो। एक और होटल है, हाँ गणेश होटल है ना, किंदरपुर बारिश में हुआ है गणेश होटल। ये देखो अंदर सारे जो भी पानी का टंकी वगैरह सारे दिख रहे हैं, और ये होटल खाने पीने का होटल है। यहाँ पे अभी तो फिलहाल सारे बंद है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है तुंगनाथ टेम्पल, एरो देख रखा है यहाँ से। ये जो एक्सपीरियंस है ना ये मतलब जितना भी हम लोग कैमरा में कैद करें जो हम लोग हाँ हाँ मतलब अपने आंखों से जो चीज देख रहे हैं वो कैमरा से हाँ कैमरा से कैप्चर करके आप लोगों को उतना मतलब ये नहीं कर पाएंगे है ना। वो जो रेलिंग बना हुआ है वहां से ऐसे घूमते हुए ये देखो ये रेलिंग बना हुआ पूरा बिल्कुल बर्फ के ऊपर से ये आ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट के लिए आप लोगों को रेलिंग बना हुआ है, अभी बर्फ है इसलिए थोड़ा सपोर्ट का जरूरत है। आई थिंक जब बर्फ नहीं होगा तब इतना सपोर्ट की जरूरत हो सकता है ना पड़े। देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऐसे गाइस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो तुंगनाथ टेम्पल इधर है और चंद्रशिला इधर, यहाँ से 1 किलोमीटर है गाइस। पहले हम लोग तुंगनाथ महादेव जी का दर्शन करते हैं उसके बाद चंद्रशिला जाएंगे। ये भोलेनाथ हम आपके दर्शन के लिए चढ़ाई करके आए। पहला कृपया मंदिर के अंदर पुण्य है। गाइस फाइनली हम लोग देख सकते हो तुंगनाथ टेंपल वर्ल्ड का हाईएस्ट तुंगनाथ टेंपल पहुंच चुके हैं। ये अभी तो फिलहाल गेट बंद है, ये जब खुलेगा यहाँ पे लिखा भी है अंदर जाना मना है और अंदर जाने के लिए कोशिश भी ना करें। और देख सकते हो यहाँ पे हम लोग 4:55 में नीचे से निकले थे और 7:15 में हम लोग पहुँच गए। ऑलमोस्ट 3 घंटा 10 मिनट के आसपास लगा हम लोग पहुँच गए गाइस। और ये पीछे देख सकते हो मंदिर है, कपाट जो बंद है बिल्कुल बर्फ में ढका हुआ है। फाइनली मेरा जो तुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से हम जाएंगे चंद्रशिला पीक के लिए। तो अभी तक बहुत सारे भैया जो है मना कर रहे और जा भी नहीं पाए, आधा रास्ते से लौट आए। तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरा चंद्रशिला पीक तक जाने के लिए, पूरा मन में तो हिम्मत है जाने के लिए। ठीक है तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहो, पूरा आप लोगों को ऊपर तक दिखेंगे कितना स्नो है क्या है कैसे सिचुएशन है पूरा डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। ओके गाइस अभी मेन जो तुंगनाथ टेम्पल के बाहर से कुछ इस प्रकार व्यू है गाइस देखो बहुत ही सुंदर। यहाँ पे कोई पावर का सोर्स नहीं है, यहाँ पे जो भी है सारे सोलर पैनल में थ्रू जो पावर का सोर्स है सारे सोलर पैनल है।
और यहाँ पे घंटी को भी बजा नहीं सकते, यहाँ पे देखो बांध के रखा हुआ है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वाओ गाइस, अभी हम लोग जब नीचे ट्रैकिंग स्टार्ट किए थे तब जो है 0.0 किलोमीटर था मेरा जो ये स्टेप काउंट मैंने ऑन किया था, अभी इसमें 3.7 किलोमीटर दिखा रहा है। तो नीचे से जो टुंगनाथ महादेव जी का टेम्पल है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि 0.5 किलोमीटर पहले से मेरा था इसमें और अभी जो है 3.7 किलोमीटर दिखा रहा है टुंगनाथ महादेव जी का, वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल। ओके गाइस, तो आप लोग वीडियो में हर हर महादेव और कमेंट में लिख दीजिए। ओके गाइस, हम लोग सारे मिलके यहाँ पे होली खेल लिया। आज के होली जो है आज 25 मार्च 2024 हम लोग पहली बार टुंगनाथ महादेव जी टेम्पल के सामने होली मना रहे। ये हम लोग इतना दोस्त के साथ यहाँ पे होली मना लिया। अभी हम जाएंगे चंद्रशिला पीक के लिए, तो चलो लेट ना करते हुए हम लोग चलते हैं चंद्रशिला पीक, क्योंकि हमें नीचे भी उतरना है। देख सकते हो सारे हमें रंग वगैरह लगा दिया है। ओके गाइस, चलो आप यहाँ पे बहुत टाइम रेस्ट कर लिया और महादेव जी का दर्शन भी कर लिया, बट कपाट ओपन नहीं है तो अच्छे से अंदर जाके भी दर्शन हो नहीं पाया। जितना भी दर्शन किया वो बाहर से, आप लोग भी वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। और अभी हम लोग चलेंगे चंद्रशिला पीक। सारे लोग बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्नो है, देखते हैं। अब लोग वीडियो में बने रहो, हो सकता है मैं टुंगनाथ से चंद्रशिला का वीडियो जो है अलग से बनाऊं, मतलब अलग वीडियो डालूं, इसके साथ ना डालूं, क्योंकि इसके साथ डालूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। ओके गाइस, अभी हम लोग टुंगनाथ से चंद्रशिला के लिए जा रहे हैं और ये देख सकते हो चंद्रशिला के लिए ये सामने ए वाला रोड है, यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है।